ओपी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कल शाम को, इसमें उन्हें रेशन डेट जो दिया है वो है 19 अगस्त 2024। यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि आज से लेके 23 अगस्त 2024 यूजीसी कोर का 2024, उसके बाद 10+2 मार्क्स कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद 62 ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 144, और बाकी जो एसटीआरबीए के लिए है वो है 127। यहां से आप आराम से देख, टोटल जो रिजर्वेशन है वो है 70%। अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए खाली 30% रिजर्वेशन है, ठीक है। वीडियो से आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मेडिकल स्लैश डेंटल एंड अदर कॉलेज ऑफ यूटी ऑफ जेएनके विद टेंटेटिव इनटेक कैपेसिटी। ये टेंटेटिव कैपेसिटी फिलहाल उन्होंने रखी है इनटेक कैपेसिटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। बोपी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कल शाम को, इसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन डेट जो दिया है वो है 19 अगस्त 2024। यहां से आप देख सकते हैं यानी कि आज से लेके 23 अगस्त 2024, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहले तो नीट यूजीसी कोर का 2024, उसके बाद 10+2 मार्क्स कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास कोई कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट 23 अगस्त 2024 से पहले पहले इश्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 23 अगर आप अप्लाई करेंगे 23 शाम तक आपको वो इश्यू होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगी। उसके बाद डीओबी मेट्रिकुलेशन डीओबी यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट यूटी लद्दाख से है, उनको सर्विस बॉन्ड देना है, वो आपको ब्राउचर से मिलेगा या तो आप वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो प्रोवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे जो उन्होंने कट ऑफ रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, वो है 162 ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 144, और बाकी जो एसटीआरबीए के लिए है वो है 127। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। और जो पीडीएफ है, अगर हम इस पीडीएफ की बात करेंगे या जो ब्राउचर है, वो दोनों पीडीएफ आपको मेरे चैनल से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, ये आपने पढ़ा भी होगा, 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके बाद 40% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कोई कैटेगरी है, और अगर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। उसके बाद अगर आपकी एज जो है, अगर हम एज की बात करेंगे, 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से देखेंगे जो रिजर्वेशन पॉलिसी उन्होंने इस पे रखी है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, पूरा वीडियो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे एससी की अगर हम बात करेंगे 8% रिजर्वेशन है, एसटी की अगर हम बात करेंगे 20%, ST1 10% और ST2 10%, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे जो ओबीसी है 8% रिजर्वेशन है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे एलसी वो है 4%, अगर हम आरबीआई की बात करेंगे वो है 10%, ठीक है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करेंगे वो है 4%, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन वो है 3%, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ एंड यूटी पुलिस पर्सन वो है 1%, अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी वो है 2% रिजर्वेशन, टोटल जो रिजर्वेशन है वो है 70%। अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए खाली 30% रिजर्वेशन है, ठीक है, वीडियो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, 30% रिजर्वेशन जो है वो है खाली ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मेडिकल स्लैश डेंटल एंड अदर कॉलेज ऑफ यूटी ऑफ जेएनके विद टेंटेटिव इनटेक कैपेसिटी। ये टेंटेटिव कैपेसिटी फिलहाल उन्होंने रखी है इनटेक कैपेसिटी, ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे जीएमसी जम्मू के लिए 153 सीट्स है और जीएमसी श्रीनगर 153 सीट्स है, अगर हम सिक्किम की बात करेंगे वो है 106 सीट्स, अगर हम जीएमसी अनंतनाग, बारामूला, हंदवारा, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, डोडा उनके लिए 85 सीट्स कैपेसिटी रखी गई है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे एसकॉमर्स जम्मू, ठीक है, उसमें 100 सीट्स की कैपेसिटी उन्हें रखी है। उसके बाद अगर हम जीडीसी जम्मू की बात करेंगे, डेंटल कॉलेज जम्मू वो है 54 सीट्स, ठीक है, उसके बाद जीडीसी श्रीनगर 54 सीट्स, अगर हम आईडीएस जम्मू की बात करेंगे वो है 100 सीट्स की कैपेसिटी वहां पे रखी गई है। उसके बाद उन्हें लिखा है कि गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जम्मू, ये लिखा है एज परमिटेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। उसके बाद जितने भी कॉलेज यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे उनमें उन्होंने यही लिखा है कि ये डिपेंड करता है रेगुलेटरी बॉडी क्या डिसाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशन इस पे आएंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले और उनको भी लेटेस्ट अपडेट्स मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।